हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिंपल पाथवे। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, जो कि हमारी भारत गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छे नियम को लागू किया है, जो गैस सिलेंडर से रिलेटेड नियम है। गैस सिलेंडर से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और भारत सरकार इन नियमों को बहुत जल्द लागू करने वाला है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे हिंदुस्तान में गैस एजेंसियां तीन नामों से जानी जाती है। एक तो होती है हमारी इंडियन गैस एजेंसी, दूसरी है भारत गैस एजेंसी, और तीसरी है एचपी गैस एजेंसी। यानी कि पूरे भारत में हमारे इन तीनों नामों से ही गैस डिस्ट्रीब्यूट होती है। इन एजेंसियों से ही पूरे भारत में गैस को बांटा जाता है। कहीं पर बड़ी ब्रांच होती है, कहीं पर छोटी ब्रांच होती है, लेकिन होता क्या है, हर जगह इन्हीं तीनों एजेंसियों से गैस दी जाती है। तो इस समय जो प्रेजेंट टाइम है, इस समय कौन से नियम चल रहे हैं, तो पहले एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको आने वाले या लागू करने वाले नियमों के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस टाइम का नियम यह है कि आपने अगर कोई भी गैस सिलेंडर को लिया है, और वो गैस सिलेंडर अगर आपका उस गैस सिलेंडर का कनेक्शन भारत गैस के द्वारा है, या फिर एचपी गैस के द्वारा है, या फिर इंडियन गैस के द्वारा है, इन तीनों गैस एजेंसियों से ही आपका अगर कनेक्शन है, तो आपका कनेक्शन जिस एजेंसी से होगा आप उसी एजेंसी से ही दोबारा से रिफिल करा सकते हैं। यानी कि दोबारा से ही उसी एजेंसी से आप सिलेंडर को ले सकते हैं। ये तो था हमारा प्रेजेंट टाइम का नियम, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ने इस नियम को चेंज कर दिया है, और आने वाले समय में कुछ ही समय बाद इस नियम को लागू कर दिया जाएगा, जो नियम मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो ये नियम क्या है, जो हमारा नया नियम बनाया भारत सरकार के द्वारा, इस नियम में बताया गया है कि अगर आपका कनेक्शन इंडियन गैस में है, और वो गैस एजेंसी आपके घर से लगभग 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या आपके गांव से ही बाहर है, और अगर कोई दूसरी गैस एजेंसी आपके घर के पास है, मान लिया आपका कनेक्शन इंडियन गैस एजेंसी में है, और आपके घर के पास में भारत गैस एजेंसी या एचपी गैस एजेंसी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इंडियन गैस एजेंसी में अगर आपका कनेक्शन है, तो आप सिलेंडर भारत गैस एजेंसी से ले सकते हैं, या फिर एचपी गैस एजेंसी से ले सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि जिस एजेंसी में आपका कनेक्शन है, आप उसी कनेक्शन से ही सिलेंडर को रिफिल करा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई सी भी गैस एजेंसी हो, और कोई सी भी गैस एजेंसी से आप सिलेंडर को ले सकते हैं। यह है हमारी भारत सरकार का फैसला, और इस पर आने वाले नियमों को लागू किया जाएगा, और बहुत ही जल्द फैसला लिए जाने की संभावना है। कुछ ही दिनों बाद इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक